गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम है आपका एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का वीडियो है हमारा वर्नियर हाइट गेज पर। तो जानेंगे वर्नियर हाइट गेज क्या होता है, ये कैसा दिखता है और इसके पार्ट्स क्या होते हैं और कहां पर ये यूज होता है और इसके पार्ट्स के द्वारा हम किस तरह अपने जो हमारा जॉब होता है उसको हम किस तरह चेक करते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या यूज होता है, तो सब कुछ जानेंगे हम आज इसी वीडियो में आपकी वर्नियर हाइट गेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो वर्नियर हाइट गेज। चलिए आप देखिए, ये मेरा वर्नियर हाइट गेज है ना हुआ है यहां पर। ये आपका बीम होता है, इसे बोलते हैं मैन स्केल। बीम पर ही आपका मैन स्केल बना होता है। अब देखिए यहां पर ये दो दिखाए गए हैं सर, इस तरह। ये आपके लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं इन दोनों को। ये जो ये है देखो, ये वाला हिस्सा है, ये आपका मैन स्लाइड है। और जिस पर ये लगे हुए हैं आपके जो बीम है, जिस पर लगा हुआ है वो होता है सबसे नीचे बेस। देखिए ये मैन स्लाइड पर, यहां पर देखिए, यहां पर आपका एक होता है वर्नियर स्केल बना होता है इसी पे ही। इसको बोलते हैं हम जा क्लैंप। ये आपका जा है। और देखो ये आपका, ये देखिए दिख रहा है, ये आपका फाइन एडजस्टिंग नट होता है ये। और देखिए यहां पर जो जा के ऊपर है ये होता है स्क्राइबर, इसको बोलते हैं हम स्क्राइबर। और ये देखिए ये यहाँ पर एक लाइन से खींची है, देखिए एक रोड सी निकली हुई है ना, ये आपका फाइन एडजस्टिंग स्लाइड होता है। इसको इसे इसी में ही ऊपर नीचे चलता है, ये होता है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। तो ये है आपके वर्नियर हाइट गेज के सारे पार्ट। अब देखेंगे इसके आगे इसमें देखते हैं क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप जानते हैं सबसे पहले इसके यूज के बारे में, ये कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। देखिए ये आपका वर्नियर हाइट गेज, तो शुद्ध मार्किंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, देखिए नंबर एक ही हो गया, ऊंचाई या व्यास चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दो, नंबर तीन, देखिए स्टेप, कोई स्टेप वगैरह है तो स्टेप को भी हम चेक करने के लिए, स्टेप की हाइट जैसे इस तरह है कोई, इस तरह कोई स्टेप दे दिया उसने, इस तरह तो इसकी हम इसकी हाइट चेक कर सकते हैं। तो स्टेप चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा फ्लैटनेस चेक करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जॉब की गहराई चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जॉब की गहराई, अब बोलेंगे कि वर्नियर हाइट गेज है तो हम हाइट चेक करते हैं, तो इसमें जॉब की गहराई कहां से आएगी, तो डेप्थ अटैचमेंट लगा के हम इसके द्वारा जॉब की गहराई भी चेक कर सकते हैं। आगे देखिए नंबर सिक्स, बाहरी स्लॉट की चौड़ाई चेक करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पिच डायमेंशन लेने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर आठ देख लिए, होल की लोकेशन को देखने के लिए भी या चेक करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और होल की कंसेंट्रिसिटी और इसेंट्रिसिटी चेक करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब जगह के लिए हम एक ही आपका वर्नियर हाइट गेज यूज करते हैं। तो ये सब इसके यूजेस हैं आपके वर्नियर हाइट गेज के। अब देखिए अगर वो आपसे पूछ ले कि बताइए मुख्य रूप से, भाई ये तो उसका सारे काम होगी, ये तो आपके वर्नियर हाइट गेज के सारे काम होगी कि यहां वो इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से कहां प्रयोग करते हैं, इसका आंसर रहेगा सटीक दूरी। इसके लिए सटीक दूरी के लिए, जैसे कि अगर ये स्क्राइबर है, मेरे कोई हाइट चेक करनी है, देखिए हाइट चेक करनी है कोई, जैसे कि 20 mm पर है, तो सटीक दूरी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और केंद्र के स्थान को मार्क करने के लिए, केंद्र के यानी सेंटर के, जो भी सेंटर होगा, जैसे इस तरह है कोई, देखिए यहां पर मुझे कोई होल लगाने है, यहां पर ड्रिल करना है, यहां पर तो केंद्र के स्थान को मार्क करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा कार्य रहेगा सटीक दूरी और केंद्र के स्थान को मार्क करने के लिए हम वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, 0.02 mm और 0.001 इंच होती है। जो आपकी वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट है वो भी वही सेम इसकी होती है। जो सिद्धांत आपका वर्नियर कैलिपर का होता है सेम वो भी वही इसका होता है। मैन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है, सेम सिद्धांत उसका इसका भी वही है ये। लेकिन ये एक मार्किंग टूल है, क्या है ये एक मार्किंग टूल है, सूक्ष्म मापी यंत्र है, क्योंकि एक्यूरेसी में हम चेक कर रहे हैं 0.02 mm तक कर रहे हैं, तो एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, एक मार्किंग टूल है,
ये ध्यान रखना है कि मार्किंग टूल है ना कि एक चेकिंग टूल है, ये आपका है मार्किंग टूल। इस पर देखिए, इस पर मीटिंग वेबिलिटीज दोनों तरह की ग्रेजुएशन बनी होती है आपकी। जो आपका बीम होता है इस पर मीटिंग के मिलते हैं और आपके बिल्टिस में मिलते हैं, दोनों भी होती हैं, सिंगल में भी होता है, तो दोनों में रहेगा मीटिंग और बिल्टिस में। चलिए आप देखते हैं इसमें आगे। अब इसकी यूज में देख लीजिए, यूज एक यूज आपका और रह गया है, देखिए लेइंग आउट। तो लेइंग आउट के लिए भी हम वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब लेइंग आउट कैसी होती है, देखिए इस तरह हम लेइंग आउट करते हैं, इसे बोलते हैं हम लेइंग आउट करना। लेइंग आउट के लिए वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं सरफेस प्लेट पर, आंसर है आपका सरफेस प्लेट। अब देखिए जिसकी रेंज है आपकी वर्नियर हाइट गेज की रेंज 0 से लेकर 1000 mm तक के पाए जाते हैं आपके वर्नियर हाइट गेज। बीम की ऊंचाई से इसका साइज लिया जाता है। और देखिए 300 mm जो आपकी 300 mm तक की जो रेंज है वो सबसे अधिक यूज होती है। कौन सी 300 mm वाले जो आपके वर्नियर हाइट गेज है सबसे ज्यादा यूज वही होते हैं। अगर पूछ लेगा कि बताइए वर्नियर हाइट गेज की कौन सी रेंज सबसे ज्यादा यूज होती है, आंसर रहेगा 300 mm। और टोटल रेंज पूछेगा तो 0 से 1000 mm। अब एक सिद्धांत मैंने बताया था आपको कि मैन स्केल और वर्नियर स्केल के विभागों के अंतर पर कार्य करता है आपका वर्नियर हाइट गेज। ये आपका बेस है, बेस को कास्टिंग, ग्राइंड और लेपिंग करके बनाया जाता है। बेस को कास्टिंग और ग्राइंड और लेपिंग करके बनाया जाता है। अब देखिए मैन स्केल, अब देखिए इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये आपका मैन स्केल है। मैन स्केल पर क्या होता है, एक तो आपका वर्नियर हाइट गेज ऐसा होता है जिस पर एक एक एमएम के निशान होते हैं, और एक ऐसा होता है जिस पर आधे एमएम के और एक एमएम के होते हैं, यानी कि आधे एमएम के निशान भी होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बताइए कि मैन स्केल के 12 भाग वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर है, ऐसे कहेगा वो कि मैन स्केल के 12 भाग और वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर हैं। तो बताइए मैन स्केल से, ये आपका मैन स्केल है, देखो ये लंबा जो है मैन स्केल ही है, तो मैन स्केल से कम कितना माप सकते हैं बताइए। तो आंसर क्या रहेगा आपका, आधा एमएम। जब ये हो कि मैन स्केल के 12 भाग और वर्नियर स्केल के 25 भाग हो, तब ये दिया गया हो, तो आंसर आएगा कि मैन स्केल से हम आधा एमएम माप सकते हैं, यानी 0.5 एमएम। अब अगर वो चेंज कर दे कि मैन स्केल के 49 भाग और वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर है, तब मैन स्केल से कम कितना माप सकते हैं आपका, मैन स्केल से कितना माप सकते हैं, तब आंसर रहेगा 1 एमएम। कितना रहेगा, 1 एमएम। कहने का मतलब यह है कि जो आपका मैन स्केल है, मैन स्केल पर जो आपका वर्नियर हाइट गेज है, जो मैन स्केल है उस पर 1 एमएम के निशान वाला भी होता है और आधे एमएम के निशान वाला भी होता है, तो इसी अनुसार हम उससे रीडिंग लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि बताइए ये दे देगा आपसे और एक में ये दे देगा, एक में ये दोनों, एक में ये दोनों, तो पूछ लेगा कि जो ये दोनों वाला है उसके लिए है आधा एमएम, जिसमें ये है दोनों उसके लिए है 1 एमएम तक की तक माप सकते हैं आपके मैन स्केल से। अच्छा अब देखिए वर्नियर हाइट गेज किस धातु का बना होता है, तो धातु रहेगी आपकी निकिल क्रोमियम स्टील। कैसी रहेगी आपकी, निकिल क्रोमियम स्टील, क्योंकि हमारा वर्नियर कैलिपर इसी धातु का बना होता है, तो ये भी तो वर्नियर कैलिपर ही है, सिर्फ क्या कर दिया इसको कड़ा कर दिया है, तो निकिल क्रोम स्टील की धातु का ही बना होता है। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे आगे क्या है। देखिए मैंने आपको बताया है ये है आपके स्क्राइबर, ये स्क्राइबर है, तो इसमें हम दो स्क्राइबर यूज करते हैं। देखिए नंबर एक है आपका ऑफसेट स्क्राइबर, नंबर दो आपका स्टेट स्क्राइबर, तो दो स्क्राइबर हम वर्नियर हाइट गेज में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जो ऑफसेट स्क्राइबर है आपका, इस तरह देखिए स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, ये आपका ऑफसेट स्क्राइबर, ये नीचे वाली सतह से लगा होता है। देखिए ये एक सरफेस प्लेट है, इसका स्क्राइबर बिल्कुल स्ट्रेट है, इस तरह स्ट्रेट है, तो ये बिल्कुल सतह से सरफेस प्लेट से बिल्कुल मिल जाता है आपका कौन सा, ऑफसेट स्क्राइबर। इसमें क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि वर्नियर हाइट गेज नीचे वाली सतह से किसकी सहायता से माप को मापने के लिए प्रयोग होता है, तो किसकी सहायता से होता है, आंसर रहेगा ऑफसेट स्क्राइबर। दूसरा आपका स्टेट स्क्राइबर, ये क्या होता है आपका, देखिए ये आपका
स्टेट स्क्राइबर, इस तरह ये पहले से ही 30 mm खुला हुआ रहता है, पहले से ही इसका डिजाइन देखिए इस तरह ही है, ये 30 mm पहले से ही उठा हुआ। वो पूछ सकता है कि बताइए जब स्टेट स्क्राइबर वर्नियर हाइट गेज पर लगा हुआ है तो जो मेन स्केल है उस पर रीडिंग क्या रहेगी, रीडिंग रहेगी जीरो, क्योंकि वो जीरो पर रहेगा। अब देखिए ऑफसेट स्क्राइबर और स्टेट स्क्राइबर वो कैसे होते हैं, आगे से चीजल पॉइंट स्क्राइबर की तरह होते हैं, तभी तो आसानी से वो मार्किंग कर सकते हैं। कैसे होते हैं, चीजल पॉइंटेड स्क्राइबर की तरह होते हैं। ये है आपके स्क्राइबर, स्क्राइबर कहां लगा रहता है, स्क्राइबर कहां लगा रहता है, आंसर रहेगा आपका क्लैंप पर। इस पर ये क्लैंप देखो, ये आपका क्लैंप है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है शुरू में ही, ये क्लैंप है, तो क्लैंप पर लगा रहता है। तो ये क्लैंप कहां लगा होता है, जा पर, ये आपका जा है नीचे, तो जा पर लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए आपका स्टेट स्क्राइबर, जो स्टेट स्क्राइबर होता है उसकी जीरो सेटिंग करने के लिए हमें एक प्रिसीजन राउंड ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रिसीजन राउंड ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं हम स्टेट स्क्राइबर की सेटिंग करने के लिए। वर्नियर हाइट गेज से चेक करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी जीरो एरर हम चेक कर लेते हैं कि उसमें कोई जीरो एरर तो नहीं है। अब देखिए वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करते समय कौन आश्रय देता है, आंसर रहेगा एंगल प्लेट, एंगल प्लेट आश्रय देता है। अब देखिए वर्नियर हाइट गेज का जब हम यूज करते हैं तो हम किस इसका उसके साथ किस इसका प्रयोग करते हैं, सरफेस प्लेट और एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। डेटम सतह प्रदान करता है, कौन करता है, तो आंसर रहेगा आपका सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट ही आपकी डेटम सतह प्रदान करती है। अब देखिए ये यहां पर दिखाया आपका, यहाँ आपके है लॉकिंग स्क्रू, मैंने शुरू में बताया, तो लॉकिंग स्क्रू का काम क्या है, अपनी मेजरिंग लेने के बाद हम अपनी माप को लॉक करने का काम आते हैं, यानी लॉक कर देते हैं आप इनसे। देखिए ये आपका फाइन एडजस्टिंग नट, ये इसका काम क्या होता है, अपनी मेजरिंग को फाइन यानी बहुत बारीकी में ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए, जो हमारा मेन स्लाइड होता है, जो मेन स्लाइड है इसको ऊपर नीचे चलाने के लिए हम क्या करते हैं, इस नट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए चलते हैं अब आगे, आगे देखते हैं इसमें और क्या है। अब देखिए इसमें वर्नियर स्केल मूव करता है किस पर, बीम के फेस पर, आंसर देंगे हम बीम के फेस पर, ये आपका आंसर रहेगा। नंबर दो देखिए आपका, वर्नियर स्केल कहां बना होता है, स्लाइडिंग ब्लॉक पर। तो वर्नियर स्केल देखिए ये क्या है, ये वर्नियर स्केल है, ये कहां पर बना हुआ है, स्लाइडिंग ब्लॉक पर, इसे हम स्लाइडिंग ब्लॉक ही बोलते हैं, इसको जो मेन स्लाइड है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग ब्लॉक, इसी को ही। अब देखिए मैन स्लाइड, अब जो क्या आपका जो मैन स्लाइड है, मैन स्लाइड का इंटर गेरल पार्ट है, इंटर गेरल पार्ट का मतलब क्या होता है कि मैन स्लाइड से कौन सा पास जुड़ा हुआ होता है, कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ होता है, आंसर रहेगा आपका जा, इसे बोलते हैं हम जा। देखो ये वाला पार्ट जो आपका है इससे जुड़ा हुआ, आपका मैन स्लाइड से जुड़ा हुआ है, तो मेन स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है आपका, आंसर आपका जा। अब देखिए वर्नियर स्केल किस से मैच रहता है, वर्नियर स्केल आप कौन सा है, ये वाला है, तो किससे मैच कर रहा है वो आपका, मेन स्लाइड से, ये आपकी मेन स्लाइड है तो किससे मैच होता है वो, मेन स्लाइड से, ये आंसर रहेगा उसका कि वर्नियर स्केल किस से मैच करता है, मेन स्लाइड से। आगे वर्नियर स्केल जुड़ा रहता है, ये क्या, ये वर्नियर स्केल है, ये किससे जुड़ा है, मैन स्लाइड से, किससे जुड़ा है, मैन स्लाइड से जुड़ा है आपका, मैच भी किससे रहता है आपका वर्नियर स्केल, मैन स्लाइड से। और अगर वो पूछ ले आपसे कि वर्नियर स्केल किससे जुड़ा रहता है, आंसर रहेगा आपका मैन स्लाइड। अब जो आपकी मैन स्लाइड है, ये मैन स्लाइड किससे जुड़ी रहती है, आंसर रहेगा आपका फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड से, तो आपका मैन स्लाइड जुड़ा रहता है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड से। इसी मैन स्लाइड को हम बोलते हैं वर्नियर स्लाइड, तो किस पर वर्नियर स्केल बना हुआ है, ये आपकी वर्नियर स्लाइड होती है। वर्नियर हाइट गेज का संबंध है किससे है, वर्नियर हाइट गेज का संबंध किससे है, आंतर सरफेस प्लेट से, किससे संबंध है आपका, सरफेस प्लेट से। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें, या आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पूछ किस तरह रहा है क्वेश्चन आपसे, आपको लगेगा बहुत इजी है, लेकिन जब सोचने बैठेंगे मालूम होगा कि कौन सा पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम गलती कर देंगे। तो इसलिए हमें
सब कुछ बिल्कुल क्लियर रखना है कि कौन सा पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, वो किसका क्या काम है। चलिए देखते हैं इसमें आगे। अब देखिए आपका वर्नियर हाइट गेज किस पर लगा रहता है, कि वर्नियर हाइट गेज किस पर लगा रहता है, अगर पूछ ले तो क्या आंसर रहेगा, वर्टिकल विद ए रिगिड बेस पर, तो आंसर आपका ये रहेगा। देखिए आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज, दूसरा होता है आपका एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज। जो आपका फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज है उसमें क्या होता है, जो आपका बी भी दिखाया मैंने आपका, बी का मतलब है बेस और बीम, दोनों क्या रहते हैं, दोनों आपस में फिक्स रहते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज। दूसरा देखिए आपका, ये आपका एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज, इसमें क्या होता है, बेस और बीम दोनों क्या होते हैं, एक स्क्रू के द्वारा जुड़े रहते हैं, ये आपके एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज में, ये दोनों में अंतर है। आपका जो बेस है, ये नीचे का बेस होता है, मैंने बताया ये बेस एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है, किसका, एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है आपका बेस। वर्नियर हाइट गेज का यूज करते समय क्या नहीं करना चाहिए, आंसर रहेगा आपका, देखो टिल्ट द बेस, यानी कि तब हम वर्नियर हाइट गेज को यूज करते हैं तो अब इसके बेस को हिलाना नहीं चाहिए, उसे बोलते हैं टिल्ट द बेस, तो बेस को हिलाना नहीं चाहिए। वर्नियर हाइट गेज द्वारा मापने का डेटम लिया जाता है, डेटम कहां से लिया जाता है, आंसर रहेगा बेस से, किससे, बेस से लिया जाता है हमारा डेटम, मापने का डेटम किससे लेते हैं, बेस से। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे और क्या है, क्या बच गया इसमें। देखिए एक होता है आपका डिजिटल हाइट गेज, डिजिटल हाइट गेज आपका कैसा होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका बेस है, बेस स्पेशल कोटिंग होता है, क्या होता है, बेस स्पेशल कोटिंग होता है, जो आपका बीम होता है डिजिटल हाइट गेज का, वो क्रोमियम प्लेटेड होता है, क्या होता है, क्रोमियम प्लेटेड होता है। जो आपका मैन स्केल होता है, इसके द्वारा हम 1 mm तक की मार्किंग कर सकते हैं, इस पर 1 mm के निशान होते हैं, इस पर आपके डिजिटल हाइट गेज पर। और जो आपके स्क्राइबर हैं, स्क्राइबर के जो आगे होते हैं, वो आगे जो टिप होती है, वो कार्बाइड टिप उस पर लगी रहती है, ताकि मार्किंग करते समय वो घिसे ना या टूट फूट उसमें आसानी से ना हो, तो इसलिए उसको कार्बाइड टिप का बनाया जाता है। ये डिजिटल हाइट गेज में भी है, और आपको वर्नियर हाइट गेज में भी, जो आपके स्क्राइबर हैं उनके जो टिप होती है आप आगे की, वो कार्बाइड टिप की ही बनी होती है, ताकि वो जल्दी से टूटे ना या घिसे ना। तो ये होता है आपका डिजिटल हाइट गेज। इसमें देख लीजिए, ये पूछ सकता है कि बीम कैसा होता है आपका, क्रोम प्लेटेड होता है, जो इसका बेस होता है वो स्पेशल कोटिंग होता है, और इसका जो मैन स्केल होता है, उसके द्वारा हम 1 mm के निशान इस पर होते हैं, यानी कि 1 mm के 1 mm तक की मार्किंग से हम कर सकते हैं आपके मैन स्केल से। तो ये आपका डिजिटल हाइट गेज। अब इसमें आपका एक और बच रहा है, वो और देख लेते हैं बस। देखिए एक होता है आपका मॉडर्न वर्नियर हाइट गेज, उसमें क्या होता है, एक होता है उसमें स्क्रू रोड, एक उसमें स्क्रू रोड होती है, वो स्क्रू रोड के सिद्धांत पर ही कार्य करता है आपका, ये वाला मॉडर्न वर्नियर हाइट गेज स्क्रू रोड के सिद्धांत पर कार्य करता है। और देखिए जो स्क्रू रोड है, स्क्रू रोड को ऊपर नीचे लाया जाता है, तो ऊपर नीचे चलाने के लिए हम उसमें थंब स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे, बताइए कि मॉडर्न वर्नियर हाइट गेज का जो स्क्रू रोड है, उसको ऊपर नीचे चलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आंसर रहेगा थंब स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जो आपका मॉडर्न वर्नियर हाइट गेज है, उसमें जो जा है, जो ये तो ये जा होता है, ये जा की मोटाई किस पर निर्भर करती है, निर्भर करती है इस पर, आंसर रहेगा क्लैंप में जो भी पकड़ते हैं, ये जो क्लैंप है ना, जो क्लैंप में हम जो भी पकड़ेंगे, जैसे हमने स्क्राइबर पकड़ रखा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आंसर रहेगा आपका, क्लैंप में जो पकड़ते हैं वो, अगर ये नहीं दिया है तो वो देखो स्क्राइबर, तो आंसर रहेगा आपका स्क्राइबर। तो जा की मोटाई किस पर निर्भर करती है, क्लैंप में जो भी हम पकड़ते हैं उस पर हमारी जा की मोटाई निर्भर करती है, उसमें हमारा स्क्राइबर भी हो सकता है और दूसरी चीज भी हो सकती है कोई, जैसे कि आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, फ्लैटनेस चेक करने के लिए काम आता है, तो हम डायल टेस्ट इंडिकेटर इसमें लगा देते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो आंसर में ये हो सकता है आपका, स्क्राइबर भी रहेगा, अगर स्क्राइबर दिया है तो स्क्राइबर, अगर स्क्राइबर नहीं दिया है तो आंसर रहेगा क्लैंप में जो हम पकड़ते हैं उसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, उसी के ऊपर निर्भर करती है हमारी जा की मोटाई। तो यह आपका
वर्नियर हाइट गेज। देखिए इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसमें क्या है, ये आपका मैंने बताया है मैन स्केल, कौन सा है आपका, ये है आपका मैन स्केल। देखो इसमें आपका ये है फाइन वाला, ये फाइन स्क्रू है जो फाइन को लॉक करता है, फाइन एडजस्टिंग जो स्लाइड इसको लॉक करता है, ये आपका है मैन स्लाइड है ये वाला। अगर हम किसी कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं, चेक करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को लूज कर लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों स्क्रू को लूज कर देंगे, तभी तो हम किसी भी कंपोनेंट तक इसको लेके जाएंगे अपने स्क्राइबर को, तो सबसे पहले हम दोनों को लूज करते हैं। लेकिन अब देखिए लूज कर दिया, लूज करने के बाद जिस हाइट पे हमने इसको सेट करना है, जैसे कि 20 mm, 30 mm या 50 mm पे हमें इसे सेट करना है, तो वहां तक ले गए, वहां तक ले जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो फाइन वाला है फाइन वाले को लॉक कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर पूछ ले कि अपनी हाइट पर जाने के बाद जितनी हम चेक कर रहे हैं या जहां पर हमें मार्किंग करनी है उस पर जाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो फाइन वाला है उसको हम लॉक कर देंगे। जब इसको हम लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद हमारी 50 mm है, 50 हम बिल्कुल सेट कर लिया है, सेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर आपका जो मैन स्लाइड है मैन स्लाइड को हम लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद फिर हम अपनी मार्किंग करते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है किसी भी कंपोनेंट को मार्किंग करने का। तो चलिए ये आपका हो गया वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। तो वर्नियर हाइट गेज आपका कंप्लीट हुआ है, थैंक यू, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, ओके।